आईपीएल ऑक्शन हो और आरसीबी अपने फैसलों की वजह से टोल ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। आईपीएल 2025 ऑक्शन में भी यही चीज देखने को मिली है। आरसीबी ने जेदा में जो ऑक्शन हुआ उसमें कई ऐसे फैसले लिए हैं जो उनके फैंस को पूरी तरीके से निराश करने वाले हैं। सोमवार को आरसीबी ने तीनों सालों तक अपने कप्तान रहे फैफ डुप्लेसी को नहीं खरीदा। बड़ी बात यह है कि इस खिलाड़ी पर आरसीबी ने बोली तक नहीं लगाई। डुप्लेसी अपनी बेस प्राइस पर दिल्ली कैपिटल्स में आ गए। उनकी कीमत 2 करोड़ रुपए थी। लेकिन हैरानी की बात यहां नहीं थी, हैरानी यह थी कि आरसीबी ने उनके लिए आरटीएम का इस्तेमाल भी नहीं किया। लेकिन इसके अलावा भी बहुत बड़े बड़े फैसले थे जो आरसीबी ने लिए हैं इस ऑक्शन में। फैफ डुप्लेसी की बात करें तो वो 2022 से ही बेंगलुरु के कप्तान रहे। हर सीजन खिलाड़ी ने अच्छा प्रदर्शन किया। 2022 में फैफ ने 31 से ज्यादा की औसत से 468 रन भी बनाए थे। 2023 में फैफ डुप्लेसी ने 56 से ज्यादा की औसत से 730 रन बनाए जिसमें 8 अर्धशतक शामिल है। पिछले सीजन भी डुप्लेसी ने 438 रन खूब किए थे। लेकिन इतने बेहतरीन प्रदर्शन के बावजूद आरसीबी ने उन पर दाव नहीं लगाया। फैफ डुप्लेसी कहने को तो 40 साल के हैं लेकिन इस खिलाड़ी के अंदर किसी भी युवा खिलाड़ी से ज्यादा फुर्ती है। फील्डिंग के मामले में आप देख सकते हैं जिस फुर्ती के साथ वो फील्डिंग करते हैं, जिस फुर्ती के साथ वो एक या दो रन भागते हैं, लग ही नहीं सकता कि वो 40 साल का एक खिलाड़ी है। डुप्लेसी की फील्डिंग अब भी वर्ल्ड क्लास है। साथ ही फैफ डुप्लेसी को जो अनुभव है उसका इस्तेमाल भी आरसीबी को जरूर मिलता रहा है। फैफ डुप्लेसी ने आईपीएल में 145 मैचों में लगभग 36 की औसत से 4571 रन बनाए। फैफ के बल्ले से इस दौरान 37 अर्धशतक निकले। साफ है फैफ डुप्लेसी अब दिल्ली कैपिटल्स को अपनी सेवाएं देंगे और कहीं ना कहीं इस टीम का एक तरह से जैकपॉट ही लगा है क्योंकि 2 करोड़ में फैफ डुप्लेसी जैसा खिलाड़ी दिल्ली के साथ जुड़ा है। दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2025 के ऑक्शन में कुछ बेहतरीन खिलाड़ी भी खरीदे जिसमें केएल राहुल, मिचेल स्टार्क, टी नटराजन शामिल है। ये सभी खिलाड़ी बेहद अनुभवी हैं। डुप्लेसी के आने से ये टीम और मजबूत बनेगी। मुमकिन है कि डुप्लेसी को दिल्ली की टीम का कप्तान भी बनाया जा सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। क्या केएल राहुल की कप्तानी के साथ दिल्ली की टीम जाती है या फिर फैफ जिनको आईपीएल में कप्तानी का अच्छा खासा अनुभव है उनके साथ टीम जाती है। बहरहाल इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही आरसीबी के और भी बड़े बड़े फैसलों या सबसे बड़े फैसले जिस पे आपको हैरानी हुई वो भी हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल स्पोर्ट्स की दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स लाइन। मेरा नाम आयुष मिश्रा। नमस्कार।